सीतापुर में अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने दिखाई देने लगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सिपाही सुमित एक लड़की को बीच सड़क पीट रहा था, टोका तो सिपाही वकील नवनीत मिश्रा पर गुस्सा होने लगा, पुलिस वाला रौब दिखाने लगा। वकील का कहना था जो भी है उसको कोतवाली से निपटाओ, बीच सड़क ये ठीक नहीं। लेकिन सुमित सिपाही लगातार वकील से बहस करता रहा, किसी तरह बाद में मामला शांत हुआ। मामला ये था कि एक लड़की को वो चौराहे पर पीट रहे थे और उस समय वर्दी भी नहीं पहने थे, तो नवनीत मिश्रा वकील साहब ने उनको पूछा भाई क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब, तो उसने कहा मतलब इसलिए है क्योंकि चौराहे पे आप मार रहे हो उसको, तो बताया कि हम पुलिस में हैं, तो कहा अगर पुलिस में हो तो इसको ले जाकर के थाने में कार्रवाई करिए, सड़क पर चौराहे पर मारने पीटने की थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बस इसी बात को लेकर के वकील साहब नवनीत मिश्रा जी को वो कोतवाली परिषद में ले गए और कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। आज वही क्या नाम सुमित विमल हमारे तहसील कैंपस में कुछ अधिवक्ता लोग कुर्सी पे बैठे थे, धूप ले रहे थे, तो कहा ये सड़क पे क्यों बैठे हो, जाइए अगर वकील हो तो अपने चैम्बर में बैठिए, इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे थे। इसी की शिकायत हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से और इनसे सीओ साहब से किया था। आज जब नवनीत मिश्रा कुर्सी डालकर धूप ले रहे थे तभी सुमित ने आकर वकील को टोका और उनको सड़क पर कुर्सी न डालकर किनारे धूप लेने को कहा, जिस पर वकीलों को गुस्सा आ गया, विवाद बढ़ने लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर मामला शांत हुआ। फिलहाल लगातार दो दिन से पुलिस और अधिवक्ता का मामला तूर पकड़ रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिदौली से गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्टार न्यूज। हमारे कैंपस में हमको बैठा दिखाएंगे कि हम कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे, ये दोनों थे जो सुमित विवाद किसी और से होता पकड़ के ये दूसरा लड़का ये बताएंगे हमारे नाम नहीं जाना ठीक है तरीके लोग आइए मैं बैठ के बात कर बाकी आप लोग।